हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप जिनका फोटोग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट अनिल सिंह, जिन्होंने आज ईडी को नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक शानदार जीत दिलाई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज नवाब मलिक के हेबियस कॉर्पस पिटिशन पर अपना फैसला सुनाया है और नवाब मलिक के इंटरिम प्ली को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि नवाब मलिक ने जो रिहाई की गुहार लगाई थी उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इसका ये मतलब है कि नवाब मलिक को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह जो कि ईडी के एडवोकेट थे, उनका जो मेन पॉइंट था बॉम्बे हाई कोर्ट में वह यही था कि ईडी ने जो अरेस्ट किया है नवाब मलिक को वो बिल्कुल लीगल है और फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करते हुए किया गया है, इसीलिए हेबियस कॉर्पस का पिटिशन जो नवाब मलिक ने फाइल किया था वो मेंटेनेबल नहीं है। दोस्तों, उनका यह भी पॉइंट था कि क्योंकि कोर्ट ने नवाब मलिक को ईडी के कस्टडी में भेजा था और जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, इसीलिए अगर इलीगल अरेस्ट होता तो वहीं पर मामला रुक जाता और जो लोअर कोर्ट थी वो नवाब मलिक को कस्टडी में नहीं भेजती। तो ये उनका मेन पॉइंट था। और ईडी के एडवोकेट ने, यानी कि एडवोकेट अनिल सिंह ने यह भी कहा था कि ये जो हेबियस कॉर्पस का पिटिशन है, दरअसल ये बेल पाने के लिए एक गुहार लगाई जा रही है और ये हेबियस कॉर्पस का पिटिशन जैसा नहीं लगता है। तो ये भी उनका पॉइंट था जिसको उन्होंने कोर्ट के सामने रखी थी। और आज ईडी को एक शानदार जीत मिली है और नवाब मलिक को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनको अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे नवाब मलिक के एडवोकेट क्या करते हैं। आप बने रहिएगा मेरे चैनल से। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।